नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार माई गार्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये मेरे सभी फाइकस के प्लांट हैं जिनको हमने कुछ को बोनसाई बनाया और कुछ बोनसाई के लिए हम तैयार कर रहे हैं। और काफ़ी जो प्लांट हैं हमने कटिंग से तैयार किए हैं और कुछ प्लांट हम नर्सरी से लेके आए थे और उन्हीं प्लांटों से हमने ये प्लांट तैयार किए हैं। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ी जो हमारे फाइकस के प्लांट हैं उनकी मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ। कुछ की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, फाइकस की कटिंग कैसे ग्रो की जाती है भी मैंने वीडियो डाली हुई है, और इनमें से कुछ प्लांट हमने बोनसाई बनाए थे उनकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है। एक जैसे आप ये देख रहे हैं, ये रोप पे हमने एक फाइकस का प्लांट लगाया है, जैसे आप देख रहे हैं ये फाइकस का प्लांट है और ये हमने रोक पे लगाया था। इसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं क्योंकि मैं पहली बार ये रोक पे हमने रोक बनाया था, और साइड में हमने ये जेड प्लांट लगाए हैं इसके, जैसे देख रहे हैं आप। ये काफ़ी 1 साल पुराना हमारा ये बनाया हुआ है, ये देख रहे हैं। एक ये हमने ट्रे ली थी सीमेंट की, उसमें हमने ये जो खंगर के टुकड़े हैं उनको जोड़कर ये एक रोक सब बनाया था, और ऊपर हमने ये फाइकस नूडा वैरायटी है इसकी, फाइकस नूडा ये प्लांट हमने इसमें लगाया था। और एक दूसरा रोक हमने बनाया था ये वाला, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी कि आप ये रोक है कैसे बना सकते हैं। इसमें भी सीमेंट की ट्रे है, थोड़ी डिजाइनिंग ट्रे है ये देख रहे हैं, और इसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी। ये फाइकस ड्यू है, जब वीडियो बनाई थी इसकी ग्रोथ काफ़ी कम थी, लेकिन जब से ये बरसात शुरू हुई है तो आप इनकी ग्रोथ भी देख रहे हैं, ये नई लीव्स देख रहे हैं आप इनमें, और ये प्लांट छोटे प्लांट की ग्रोथ देख रहे हैं काफ़ी अच्छी हो गई है बरसात के मौसम में। और आपकी इसकी रूट्स देख रहे हैं, ये सभी कंगर में नीचे मिट्टी में चली गई है। जो सभी फाइकस है किसी भी वैरायटी का हो, सभी फाइकस है कटिंग से आसानी से लग जाते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। ये सभी जो प्लांट देख रहे हैं ये कटिंग से ही है, सारी कटिंग से हमने ये जो फाइकस के बोनसाई तैयार कर रहे हैं ये देख रहे हैं आप। तो ये सारी हमने कटिंग है इनकी लगाई हुई है, और एक वीडियो भी अपलोड की थी मैंने कि आप फाइकस की कटिंग कैसे लगा सकते हैं। तो हमारे पास फाइकस की 2-3 वैरायटी है और इन्हीं की हमने कटिंग काट कर लगाई हुई है, जैसे ये देख रहे हैं आप। ये एक मोटी कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है और इसको हमने एक छोटे से प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है, देख रहे हैं छोटा सा प्लास्टिक का पॉट है ये। इसकी जो रूट्स देख रहे हैं आप, और ये और भी रूट्स निकल रही है इसकी, और इस प्रकार ये नीचे रूट्स निकलती रहेंगी और एक नीचे जो रूट का जाल बन जाएगा। एक ये फाइकस है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी, अब ये देख रहे हैं इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इसकी भी आप ये रूट्स देख रहे हैं, तो इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं कि हमने कैसे बनाया था। एक ये है हमने एक गोल पॉट है इसमें लगाया हुआ है एक, इसको हम तो इसमें हम इसको एक गोल शेप दे रहे हैं जैसे देख रहे हैं आप। इधर से ब्रांचें निकल रही है तो यहाँ से भी एक इसका कवर हो जाएगा और इसकी थोड़ी सी हम प्रूनिंग कर देंगे चारों तरफ से, तो ये गोल शेप है इसकी बन जाएगी। और एक ये हमारा प्लांट है देख रहे हैं, तो इसकी रूट्स भी आप देख रहे हैं काफ़ी रूट्स है इसमें देख रहे हैं, जैसे जैसे इनकी रूट्स निकलती रहेगी वैसे वैसे जो हमारा ट्री है इसकी जो लुक है काफ़ी पुरानी नज़र आती रहेगी, काफ़ी एज का जो हमारा यहाँ पर प्लांट लगेगा। ये लगभग 2-2.5 साल पुराना हमारा प्लांट है और ये भी हमने कटिंग से ग्रो किया था,
ये प्लांट भी हमने कटिंग से ग्रो किया, देख देख रहे हैं तो 2-3 साल में एक बोनसाई लुक नज़र आने लगती है। तो इस प्रकार आप रोक पे भी इसको लगा सकते हैं जैसे हमने ये लगाया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार आप फाइकस की कटिंग लगाकर एक बोनसाई तैयार कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इन सब का लिंक दे दूंगा, जो जो मैंने फाइकस की वीडियो बनाई है वो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन फाइकस की अपडेट आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।